नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेस टाइम्स में। तो आज हम रविशंकर बुक पब्लिशर के बारे में बताएंगे। ये कंपनी वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोवाइड करती है, पर क्या सच में ये कंपनी आपको हेल्प करती है? आइए इनकी असलियत आप सभी को बताते हैं। रविशंकर बुक पब्लिशर सिर्फ जॉब देने के नाम पर लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। ऐसी कंपनी ज्यादातर हाउसवाइफ स्टूडेंट्स को अपना टारगेट बनाती है। ये कंपनी हैंडराइटिंग वर्क या नॉवल राइटिंग वर्क प्रोवाइड करती है। पर ऐसा क्यों? कभी किसी ने सवाल उठाया है कि कंप्यूटर के ज़माने में ये मैनुअल हैंडराइटिंग का काम आप लोग को क्यों प्रोवाइड करते हैं? सबसे बड़ा सवाल ही यही है। पर हम लोग कैच पैसे ज़्यादा देखकर सवाल नहीं करते हैं कि कुछ गलतियाँ ऐसे धोखेबाजों को फ्रॉड करने का बढ़ावा देती हैं। खैर, जानते हैं ये हैंडराइटिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का नकली काम किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को अपने स्कैम में फंसा रहे हैं। रविशंकर पुस्तक प्रकाशक, इनके पास आपको दो चक्कर के प्रोजेक्ट मिलेंगे, एक हिंदी प्रोजेक्ट या एक अंग्रेजी प्रोजेक्ट। या सभी प्रोजेक्ट का समय अवधि अलग होता है, किसी का 7 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 25 दिन। इसी तरीके से इनके सिक्योरिटी अमाउंट भी अलग अलग होते हैं, पर ये आपको सैलरी इतनी ज़्यादा बताएंगे कि आप सिक्योरिटी अमाउंट दे ही देते हैं कि अगर कुछ पैसे के बदले में ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो इससे फ़ायदा हमारा ही है। ये रविशंकर बुक पब्लिशर दावा करती है कि ये आपको सैलरी के साथ आपका पैसा रिफंड करके दे देगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ना पैसे वापस मिलेंगे और ना ही सैलरी, सिर्फ और सिर्फ धोखा करती है ये कंपनी। हमने आपके साथ कुछ लिंक शेयर किए हैं, तो लिंक पर विजिट करके आप खुद इनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। या साथ ही साथ हमने इनके इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कंपनी सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों के साथ स्कैम कर रही है। ये कंपनी सिर्फ फ्रॉड कर रही है, इस कंपनी के जाल में ना फंसे। ये कंपनी बिल्कुल फेक है, सिर्फ हैंडराइटिंग वर्क के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रही है। किसी भी कंपनी में कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट देने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जांच लें, ऐसे फ्रॉडर्स से बचें। और जानकारी के लिए प्रेस टाइम से जुड़े रहें। धन्यवाद।